हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सृष्टि कटिवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हमारे टोमेटोज के प्लांट जो है वो सूख रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसी टॉपिक पर वीडियो है। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। ये देखिए वंडरिंग जू मैंने आपके सामने ही ग्रो की थी, कटिंग वगैरह बहुत सारी जगह चलाई थी, लगाई थी, सब चल रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए ये वाला पॉट जो है ये भी मैंने शायद आपके सामने ही लगाया था वंडरिंग जू का, इसमें भी बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पर देखिए आपको याद होगा मॉर्निंग ग्लोरी की शिफ्टिंग मैंने बताई थी आपको किस टाइम कैसे करनी चाहिए, ये भी अच्छी खासी सेट हो गई है, ग्रो कर रही है। वीडियो चाहिए, वीडियो देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। और ये देखिए ये जो कटिंग है ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था कि कटिंग को कैसे शिफ्ट करें, किस टाइम क्या करें। तो यहाँ पर देखिए ये कनेर की है और ये है हमारी डबल चांदनी की कटिंग और ये बाकी सारी जट्रोफा की है। आप लीव्स देखकर समझ सकते हो कि हमारा प्लांट, हमारी कटिंग जो है वो ग्रोथ पर आ गई है, सेट हो गई है। ये बहुत पहले मेरा कंपोस्ट बिन जो था वो रेडी किया था और उसमें मैंने कुछ सीड ग्रो किए थे। तो यहाँ पर देसी तोरी जो है वो मेरी लग चुकी है, साइज़ आप देख सकते हो बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ देखिए आपको ये कट्टा याद होगा जो मैंने पॉट का शायद मैंने उसकी हेडिंग लिखी थी कि फ्री का पॉट या फ्री का या फिर मैंने होम मेड ग्रो बैग कैसे बनाते हैं, कैसे उसको फिल करते हैं और उसमें करेला कैसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सीड जो हैं करेले के वो ग्रो हो चुके हैं। ये वाला टैग मैंने आपके सामने ही लगाया था, चैनल पर वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखना। और ये तो मुझे लगता है सदाबहार का है यहाँ पर, और ये दो और भी हैं। चलिए कुछ और अपडेट दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको याद होगा मिनी गार्डन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। और आप देख सकते हो अभी सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे से इस एरिया में धूप आना स्टार्ट हो जाती है और सारे दिन यहाँ पर धूप रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मैंने पोई साग आपको ग्रो करना बताया था, इसी में मैंने पालक भी ग्रो करना बताया था, तो पालक तो नहीं चले, फिर मैंने दोबारा यहाँ नीचे ग्रो किए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो नन्हे नन्हे से प्लांट आपको दिख रहे हैं ये पालक है। वीडियो है चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के डाल दूँगी, प्लीज़ चेक कर लेना। पोई साग आप देख सकते हो, इस बार मेरे पास बहुत सारे पोई साग हैं। ये देखें यहाँ पर पालक भी है, ये वाला जो है ना ये पालक का ही है। चलिए एक और अपडेट दिखाती हूँ। यहाँ मैंने बोल रही हूँ बैंगन ग्रो करना आपको दिखाया था इस एरिया में। तो यहाँ पर बैंगन हमारे जो है वो ग्रो हो गए हैं, सीड आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पर टैग लगा हुआ है घिए का, घिए की बेल चल पड़ी थी बट किसी वजह से वो किसी ने कबूतर वगैरह या किसी ने उसको ख़राब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी टोमेटोज के प्लांट है उसमें से मैंने अभी 3 चुन लिए हैं जिन पर फ्रूटिंग जो है वो होकर जा चुकी है और ये प्लांट जो है वो ख़राब हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इस वाले में तो मेरा सारा का सारा कंपोस्ट है नीचे की तरफ, इसको हम निकाल कर अलग सुखाएंगे। और ये मिट्टी है, ठीक है, तो ये इसके अंदर मिट्टी है, कंपोस्ट नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ हार्वेस्टिंग कर ली थी, रोज़ ऐसे ही दो चार हार्वेस्टिंग होती है। फिर मुझे याद आया चलिए वीडियो शूट कर लेते हैं, बता देते हैं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आपके टोमेटोज के प्लांट अब सूख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर उस पर इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको उस पर देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरे दोनों पॉट में हल्की सी नमी है। कारण ये है कि मैं सोच रही थी इस पर जितने फ्रूट लगे हैं वो चल जाएं, हो जाएं, पक जाएं। अगर इस तरह से आपके भी लगे हुए हैं टोमेटोज तो आपको यही करना है, रोज़ इतना पानी उसमें डाल देना है कि वो सर्वाइव करता रहे प्लांट और आपके जो भी लगा हुआ है फ्रूट हो या वेजी हो वो पक के आपके पास आ जाए। पक जाए तो फिर इसके बाद आपको तोड़ लीजिए। तो देखिए टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है और अब मेरे ख्याल से ये पकने वाले नहीं हैं या अभी मुरझाने लगे हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, हार्वेस्टिंग कर ली है उसके बाद क्या करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने प्लांट को मिट्टी में से निकाल देना है, उसको कट कर देना है। और अगर वो साफ़ सुथरा प्लांट हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे हुए हों, तो आप उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। अगर कीड़े वगैरह लगे हैं तो आप उसको फेंक दीजिए, ठीक है। तो मेरे सामने अभी बहुत सारे ऐसे ही प्लांट लटके हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इनको छोटे छोटे करके अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी। और अभी भी मेरे ख्याल से 3 या 4 पॉट हैं जिनमें मेरे टोमेटोज लगे हुए हैं, उन पर भी मैं यही कुछ करूँगी सारा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें ये मिली बग्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम साइड रख देंगे, इसको हम कंपोस्ट बिन में नहीं डालेंगे, ठीक है, यही आपको करना है। तो जल्दी से मैं इन सबको कट करके बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 2 पॉट जो हैं वो मैंने खाली कर दिए हैं, उन पॉट को भी मैं सुखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए रूट बॉल आप देख सकते हो कितना अच्छा डेवलप हुआ है, आज गार्डनिंग में हेल्प कर रहे हैं हस्बैंड। ये देखिए
मॉर्निंग का टाइम है, आज इनकी छुट्टी है तो मेरे साथ लगे हुए हैं। रूट बॉल आप देख सकते हो कितनी अच्छी डेवलप हुई थी। तो ये सिंपल मिट्टी है इसीलिए मैं इसको अलग सुखा रही हूँ। चलिए इस वाले पे आते हैं। ये आप देख रहे हो ये मेरा कंपोस्ट बिन है, साल में 2 बार ये भरा जाता है। और भरने के बाद फिर जैसा अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया है तोरी वाला, तो उसमें भी मैंने नीचे कंपोस्ट रखा है और उसके ऊपर आपको सीड ग्रो करने बताए हैं। तो इससे फ़ायदा 2 हो जाता है लगभग 3 से 4 महीने के लिए, जैसे कि हमारा पॉट भर जाता है, क्योंकि लगभग तीन महीने लगते हैं कंपोस्ट को रेडी होने में। तो उसी 3 महीने के दौरान अगर हमने ऊपर कोई सीड लगा दिया तो वो प्लांट भी ग्रो हो जाएगा और नीचे हमारा कंपोस्ट भी बन जाता है। ठीक है, तो 1 काम से 2 काम बन जाते हैं। तो चलिए नीचे का सारा जो हमारा कंपोस्ट है इसको भी मैं सुखा लेती हूँ। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। जिस भी मेरे भाई बहन ने कमेंट किया था कि हमारे टोमेटोज़ के प्लांट सूख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो उनको समझ आ गया होगा कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं इस वाले को खाली कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा कंपोस्ट है। चाहो तो आप ऐसे ज़मीन पर भी सुखा सकते हो, बट मैं ऐसे इस पर सुखा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, अचानक बारिश आए या कुछ भी अंधी वगैरह आए तो मैं इसको मोड़ कर हटा दूँ साइड में। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसे खाली कर लेती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने वो वाले कंपोस्ट भी सुखा दिया है, यहाँ पर मिट्टी भी सूख रही है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा टोमेटोज़ लगा हुआ है और प्लांट जो है वो अब मरने की हालत में हो रखा है। ये देखिए, सोच रही हूँ कि ये पक जाए तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कीजिए, तभी आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है।